अभी तक तो नाम पूछा जा रहा था, अब तलाशी पे भी उतर आए। बेटा नट्टू, ये विक्रम आसपास तो नहीं है कहीं? आइए, कुछ काम है? मैं आपका कमरा ठीक कर दूं? हाँ, नहीं देखिए, मेरा कमरा वाला ठीक मत कीजिए, इस समय जरा मेरा दिमाग खराब है। दिमाग ठीक कर दूं? हाँ, क्या मेरा मतलब है, सर दबा दूं? नहीं नहीं, मैं अपना हाथ पैर सर गला खुद ही दबा लेता हूँ। तुम जाओ से, चलो। अरे जाओ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा, क्या मतलब? सारे गांव ने तो कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? यही कि मैं आपकी दासी हूँ। दासी? अब तो मेरी जिंदगी आप ही के चरणों में। अरे क्या बक रही हो? खड़ी हो, खड़ी हो। कहीं तू वो गाने की वजह से तो? देख भाई, वो तो तुम्हारा त्योहार समझ के मैं तुम्हारे साथ नाच गा रहा था, कहीं उल्टा सीधा मत समझना। हाँ चलो भागो, चलो भागो। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहो, मैं तो। अरे आप, तू तो गले ही पड़ती जा रही। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे चक्कर में कभी मत पड़ना। मैं आजाद पंछी हूँ, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। मेरे चक्कर में पड़ेगी तो जिंदगी भर रोएगी। ना मेरे चरणों में जगह है और ना ही मुझे किसी दासी की जरूरत है। चल भाग, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ तो जाओ, जान दे दो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो भागो। जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। आया तो कुछ करने, कुछ और ही चक्कर में फंस गया। माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। जी हाँ, कि गोपियों की लाइन लगी हुई है, बांसुरी बज रही है और गोपियां नाच रही है। मैं लड़कियों को नहीं नचाता, मैं तो दुनिया को नचाता हूँ अपनी उंगलियों पे। जी जान दे दूंगी, पता नहीं कहां से जान दे दूंगी। भाई नट्टू,